हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सारे के सारे दोस्तों शानदार है जबरदस्त है जिंदाबाद है आप मेरी आवाज को देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन ठीक है जी तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन वोरी का एंड uh, uh, जो है वो द हिंदू ऑडिटोरियल का तो देखते हैं आज की मेजर न्यूज जो है वो द हिंदू ऑडिटोरियल के आज की मेजर न्यूज कौन कौन सी है तो पहली फ्रंट पेज की जो न्यूज है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी फोर्टीन डे लॉकडाउन Guidelines issued ban on all events and gatherings. तो अब पे MHA, आप लोग MHA से यहां पे समझ गए होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना तो जो आपकी मिनिस्ट्री है उसने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसने बेसिकली ये सजेस्ट किया है कि स्टेट जो है वो चौदह दिन का लॉकडाउन जो है वो आपके लगा दें राइट गाइडलाइंस उसके लिए इशू कर दी गई है बैन ऑन ऑल इवेंट्स एंड गैदरिंग जितने भी इवेंट्स हैं उनके अंदर गैदरिंग uh, को जो है वो बैन कर दिया गया है तो कोविड की सिचुएशन जो है वो इंडिया में बहुत ही uh, बुरी स्टेट में है बहुत ही बुरी स्थिति में है अंदाजा uh, जो है फाइनली uh, जो है हमारी गृह मंत्रालय है राइट right? तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सजेस्ट किया है सभी स्टेट्स को कि वो जाए और क्या करें अपने 14 डेज का लॉकडाउन जो है लोकल लेवल पर लागू करें ताकि जो है है वो सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल के अंदर आए ठीक चलो इसके अलावा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो एक पहली न्यूज है जो आज आप लोगों ने यहाँ पे देखी होगी उसके बाद में दूसरी देखो डेली केसेस में हिट 4.4 लाख बाय मी एट आई आईआईटी मॉडल है ना तो जो अभी जो करंट में चल रहा है जिस तरीके की परिस्थिति चल रही है तो बेसिकली एक आईआईटी मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो डेली केसेस हैं वो कितने हो सकते हैं वो आठ लाख तक हो सकते हैं बच्चों आठ लाख कैन यू इमेजिन है ना, ना? ना? सॉरी uh, मई तक 4 .4 लैक हो सकते हैं। थोड़ा सा दूर नहीं है सत्ताईस अप्रैल हो गई है तो आठ मई की डेट तक चार साढ़े चार लाख के करीब केसेस अगर डेली आने लग गए तो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल रूप जो है ये बीमारी ले लेगी ले और उसके बाद में जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो इस देश की होने वाली है ठीक है टेक्नोलॉजी इसमें एक और छोटी छोटी खबरें है हमें मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे बट बढ़ उससे पहले छोटी छोटी चीजें और पढ़ लेते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जाइंट्स पिच इन टू फाइट सेकेंड वेव है ना कि जो टेक्नोलॉजी के जाइंट है बड़े बड़े लोग जो है जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर जुड़े हुए हैं जैसे कि आपके आ, गूगल के सीओ सीओ सुंदर पिचाई हो गया राइट तो वो सब लोगों ने अपना सपोर्ट जो है वो देना शुरू कर दिया है इंडिया को फाइनली जो है वो लोग खुलकर के सपोर्ट में आ रहे हैं जैसे कि सुंदर पिचाई ने अनाउंस किया है कि वो 135 करोड़ जो है वो फंडिंग सपोर्ट जो है फिलहाल इस करंट पेंडेमिक से लड़ने के लिए इंडिया को देने वाला है एंड राइट तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के जॉइंट्स जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं हाँ जी तो ये आज की मेन खबरें हैं अब बढ़ते हैं आज तो पहला आर्टिकल है अनफेयर एंड डेंजरस है ना और ये किसके ऊपर मोर डिफिकल्ट है ना तो ये वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है आज जितने भी मेजर आर्टिकल आ रहे हैं वो वैक्सीन के ऊपर ही बेस्ड हो रहे है। दूसरा है स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स ऑस्कर्स दिस ईयर सो मेनी फर्स्ट एंड ऑल्सो फेयर अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी एंडी है ना? Uh, तो ये बेसिकली आपके ऑस्कर uh, अवार्ड के ऊपर आया है जो कि मूवीज के सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में आफ्टर लास्ट इन ऑस्कर स्वीप बाय पैरासाइट देर वर दो For her role as Greeny, Sunja in the रोल एज ग्रीनी सूनजा इन द हार्ट वार्मिंग close बीटिंग ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लेम क्लोज मेड हेयर ठीक है तो यहाँ पे मूवीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है ये जो दूसरा आर्टिकल है इसके अंदर बेसिकली uh, बातें हो रही है ऑस्कर uh, अवार्ड की कि कौन सी मूवी जो है वो बेसिकली ऑस्कर अवार्ड जीती है उनमें से कई नई है कई बार फर्स्ट है

गुड 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 मॉर्निंग 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 चलो आओ भाई देखते हैं शुरू करते हैं तो आर्टिकल जो है आर्टिकल का नाम यहाँ पे आप लोगों के सामने है अनफेयर एंड डेंजरस है ना अब इस आर्टिकल को जो है वो अनफेयर और डेंजरस क्यों बोला गया भाई इस पे आप लोगों को सोचने की गौर करने की जरूरत है ना अनफेयर एंड डेंजरस किस कॉन्टेक्स में बोला गया वैक्सीन के कॉन्टेक्स में बोला गया ना कि वैक्सीन इन

जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं रखा समान रूप से वैक्सीनेशन नहीं किया और इनइटी रही तो कंटेनमेंट के या कंट्रोल करने के हमारे जो मेजर हैं वो डिफिकल्ट हो जाएगी ठीक है चलो भाई अब पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल देखते हैं क्या है यहाँ से शुरू हो रहा है सत्ताईस चार दो हजार इक्कीस ये डेट है और आर्टिकल जो है वो शुरुआत में हम जो शुरू करेंगे राइट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला पार्ट जो है वो हम कवर करने वाले ठीक है सो इन द मिडस्ट ऑफ अ रेजिंग सेकेंड वेव है ना रेजिंग का मतलब होता है बहुत ही क्रूल है ना बहुत ही क्रूल है अटैकिंग है ना अटैकिंग अटैकिंग है ना जो अटैक बहुत क्रूल है बहुत ही वायलेंट है बहुत ही अटैकिंग है तो इन द मिडस्ट ऑफ मिडस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बीच में मध्य में है ना तो जो सेकेंड वेव के बीच में जो कि बहुत ही अटैकिंग रेजिंग है विच इज टचिंग न्यू पीक्स ईज पासिंग डे है ना हर हर दिन दिन जो 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 है 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 वो आपके आपके नई ऊंचाइयों को छू रही फॉर पुअर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स ठीक है central government तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है उन्होंने अपना अपना जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एबडिकेट कर दिया है टू एंश्योर वैक्सीन इक्विटी थ्रू फ्री वैक्सीनेशन फॉर दी पुअर अक्रॉस ऑल एज दुअर है ना तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है उन्होंने बेसिकली उनकी जो जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन की कि वो हर एज ग्रुप के जो गरीब लोग हैं उनको वैक्सीनेट करेगा फ्री वैक्सीनेट करेगा तो उससे सेंटर ने एबडिकेट कर लिया आप लोगों को पता होगा कि सेंटर ने जो है वो बेसिकली अब स्टेट को जिम्मेदारी दी है कि स्टेट जो है वो निर्णय ले कि वो किस तरीके से किस बेसिस पे जो है वैक्सीनेट करेगा राइट right? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया है और फ्री वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कि गरीब जो है वो वैक्सीनेट नहीं करवा पाएंगे गरीब जो है उसके लिए पैसा बहुत महत्व रखता है राइट right? और वो शायद वैक्सीनेशन जैसे प्रोग्राम से अवेयर नहीं है इतना उसको जो है वो उसको लेकर के वो सीरियस नहीं है तो फ्री वैक्सीनेशन में तो शायद वो करवा लेते लेकिन बिना फ्री वैक्सीनेशन के पेड अगर आपने करा तो फिर पुअर क्लास को जो है वो वैक्सीनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा व्हाइल स्टेट गवर्नमेंट्स वर नेवर कंसल्टेड और गिवन प्रायर नोटिस अबाउट द चेंज इन वैक्सीनेशन पॉलिसी है ना कि जो स्टेट uh, गवर्नमेंट है वर नेवर कंसल्टेड उनसे ना तो कंसल्ट किया गया और ना ही उनको प्रायर नोटिस दिया गया अबाउट द चेंज इन वैक्सीनेशन पॉलिसी कि जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसके अंदर जो उसके अंदर जो परिवर्तन किया गया है

बेसिकली जो दो वैक्सीन के मैन्युफैक्चर हैं राइट इंडिया के अंदर राइट उनको आपने एक फ्री हैंड दे दिया कि कि वो डिसाइड करें कि किस प्राइस के ऊपर जो है वो वैक्सीन जो है वो बेचेंगे स्टेट गवर्नमेंट को अगर आपने उनको ये फ्री हैंड दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग प्राइस होगी है ना और जो फ्री वैक्सीनेशन का जो टास्क हमने अचीव करना आई होप अब वापस से रिकनेक्ट हो गया है। हाँ जी आई होप वापस से रिकनेक्ट हो गया वापस से आप लोग देख पा रहे हो oh.

यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट uh, पार्ट को यहां पे पढ़ने वाले हैं राइट right? एंड uh, जो है ये ये वाला जो हमने पहला पैरा पढ़ा था उसके आगे वाले पैरा को हम यहाँ पे पढ़ने वाले ना नेक्स्ट पैरा को जो है हम यहाँ पे रीड करने वाले आज हो गए है ना ठीक है चलो तो बढ़ते हैं अब यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं सॉरी है ना यहां से शुरू करने वाले सेकंड तो पहला जो पैरा था उसमें हमें ये देखने को मिला हमने ये पढ़ा कि वैक्सीनेशन जो है हाँ जी तो हमने ये देखने को मिला कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है अः ये अः इक्वालिटी के साथ में होना चाहिए उसमें इक्विटी होनी चाहिए लेकिन अगर आप जो वैक्सीन बनाने वालों को फ्री हैंड दे दोगे कि भाई आप इस रेट में बेचो उनको तो अगर उसमें इक्विटी नहीं होगी तो फिर जो है वो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जो आ, का जो गोल है उसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा है ना लार्ज परसेंटेज ऑफ अ लार्ज परसेंटेज ऑफ दोन फोर्टी फोर ईयर डज नॉट है रिसोर्से है? लोग हैं है, मतलब बहुत अधिक संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अठारह साल से चम्बालिस साल के बीच में है उनके पास में ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो वैक्सीनेशन के लिए पे कर पाए एंड विल फॉल थ्रू द क्रैक्स और जो हमारी जो फॉल थ्रू द क्रैक्स का मतलब हो गया कि आ, जो आ, अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो कोविड मतलब कोरोना वायरस जो है उसकी चपेट में आ सकते हैं है ना? So the states will have to, so क्या करना पड़ेगा? इम्यूनाइजेशन so प्रोग्राम कि जो स्टेट्स है राज्य सरकार है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल जो है यहाँ पे निभाना पड़ेगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर

नी क्राइटेरिया टू आइडेंटि तो ये आ, देखने लायक होगा ये चीज देखने लायक होगी कि दे कि यूजेरीज को चूज करेंगे किस आधार पे जो है वो वैक्सीनेशन का लाभ उठाने वालों को चूज करेंगे ये देखना थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी so, है ना सो जो टोटल हमारे स्टेट्स हैं उनमें से दो दर्जन ने कमिट uh, कर दिया है कि वो फ्री वैक्सीनेट करेंगे है ना और अलग अलग प्राइस की वजह से थोड़ी परेशानियां हैं यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नेवर बिफोर हैज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल बीन लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर वेल यूनियन गवर्नमेंट टू वैक्सीनेटिंग फॉर फ्री जस्ट थ्री मिलियन देखो भैया अब यहाँ पर इसने बहुत बड़ी बात बोल दी इसने ये बोला कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन किन का करीब 600 मिलियन के आसपास जो लोग हैं इस देश के उन लोगों का 600 मिलियन लोगों का जो है वो बेसिकली इम्यूनाइजेशन uh, जो है वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है uh, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि भैया तुम करो है ना क्योंकि बेसिकली uh, पैसे दो और अपना वैक्सीनेशन कराओ एक तो ये प्रोग्राम हो गया सब आपके और जिनके पास पैसे नहीं है वो सरकार के थ्रू करवाओ साहब है ना तो कुल मिलाकर के जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्या किया है कि वो केवल और केवल 300 मिलियन लोगों को ही जो है वो वैक्सीनेट करेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो यहाँ पर आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया है ठीक है विद दिस प्रेसिडेंट स्टेट्स विल प्रोबेबली बी रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन टू है ना अब ये जो नई चीज है इससे क्या होगा स्टेट्स uh, को ये रिक्वायरमेंट होगी स्टेट को ये आवश्यकता होगी कि वो जो है वो बेसिकली आपके वैक्सीनेट करें चिल्ड्रन को भी रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन टू व्हेन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल दर्डनिंग प्रमोटिंग वैक्सीन इन है न तो ध्यान से देखो यहाँ पे स्टेट जो है किस चीज को करेंगे है ना कि उन्हें बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की आवश्यकता होगी वेन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल की वैक्सीन जब अवेलेबल हो जाए है ना एंड दस बर्डनिंग उससे क्या होगा बर्डन बढ़ जाएगा किस चीज का बर्डन बढ़ जाएगा इवन फर्दर एंड देयर बाय एक्टिवली प्रमोटिंग वैक्सीन ना तो उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा और वैक्सीन की इनिक्वेटी इनिक्विटी जो है मतलब वैक्सीन जो है वो असमान रूप से जो है प्रमोट होगी असमानता बनी रहेगी है ना तो ये जो असमानता का जो असमानता की जो बात बोली गई है वैक्सीन के बारे में ये बात क्यों लागू हो रही है ये बात क्यों जो है इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरीके से फिट बैठ रही है पूरा आर्टिकल जो है वो वैक्सीन इनक्वेटी के ऊपर है कि भैया जिस तरीके से आपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गरीब के लिए वैक्सीन को अफोर्ड करना गरीब के बच्चों के लिए अफोर्ड करना और सरकारी जो मशीनरी है राज्य सरकारों की वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है वो भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो भी कि वो जो गरीब को जो है वो बेसिकली आपके वैक्सीनेट कर पाए तो वैक्सीन की जो इनिक्विटी है वैक्सीन का जो असमान रूप से प्रयोग किया जाएगा राज्य सरकारों के द्वारा ये ये बेसिकली कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सही नहीं है हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होगी हमें ऐसी पैदा करनी होगी जहां पर हर व्यक्ति इस बात से बेफिक्र हो करके उसे क्या पेमेंट करना है उसे बेसिकली किसी भी तरीके से उसके दिमाग में पैसा दिमाग में ना रहे और वो जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवाए ना आगे बढ़ते हैं सब आपके है ना आगे की कहानी जो है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं एक्टिवली प्रमोटिंग वैक्सीन है ना इफ मेकिंग पे जी हाँ जी यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से आर्टिकल अब आपके बढ़ रहा है सेकंड हाँ जी यहाँ से वैक्सीन एंड इक्वाटी हाँ जी तो इफ मेकिंग स्टेट्स पे फॉर वैक्सीन इज एन इल कंसीव्ड आइडिया अगर स्टेट्स को जो है वो स्टेट से पे करवाया जा रहा है ना वैक्सीनेशन के लिए तो जो स्टेट से पे करवाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन के लिए अगर ये बुरा आइडिया है ये अगर अच्छा आइडिया नहीं है फोर्सिंग देम टू शेल आउट मोर देन द यूनियन गवर्नमेंट पेज फॉर द सेम वैक्सीन इज अ श्योर रेसिपी फॉर एक्सेसर बेटेड वैक्सीन इन ना अब देखो तुम्हें आप लोगों को एक बात मैं बता दू कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमारे मीटिंग चल रही थी मोदी जी की स्टेट के मिनिस्टर्स के साथ में चल रही थी मोदी जी उसमें क्या हुआ बेसिकली केजरीवाल ने क्या किया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच में जो है वो एक वीडियो वायरल हो गया था उसमें उसको क्या किया उस मीटिंग को केजरीवाल जी ने लाइव कर दिया है ना लाइव कर दिया और वहां पर उन्होंने एक सवाल पूछा था जिसका बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में रहा उन्होंने बोला कि सेंटर जो है वैक्सीन को खरीद रहा है डेढ़ रुपए के अंदर

और यूनियन पे कम पे कर रही है यूनियन गवर्नमेंट जो है मतलब यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कम पे कर रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको उसी वैक्सीन वैक्सीन के लिए ज्यादा पे करना है। ऐसा क्यों इज अ श्योर रेसिपी फॉर ये जो है वो निश्चित रूप से एक रेसिपी है किस चीज की वैक्सीन इन इक्विटी का बढ़ाया जाना उसको जो है बहुत अः बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करना उसको आगे ले जाने का जो है वो एक रेसिपी है पूरी तरीके से वैक्सीन इनिक्विटी की रेसिपी है कि सेंटर की रेट अलग है ये जो दो कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां जो वैक्सीन बना रही है और बेच रही है ये यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सस्ते में दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट को महंगे में दे रही है ये निश्चित रूप से एक रेसिपी है जिससे कि वैक्सीन इनक्विटी जो है वो पैदा हो विद वैक्सीनेशन बींग द ओनली सेफ वे है ना अब चूंकि हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन इकलौता वे है जो कि इस पेंडेमिक को एंड कर सकता है एंड पेंडेमिक अंडरटेकिंग एनी एक्सरसाइज undertaking any exercise that leaves a large population unprotected will cost the country enormously in terms of lives and livelihoods theek hai kya bol raha hai with vaccination being the only safe way hai na ki vaccination jo hai wo eklauta safe tarika hai pandemic ko end karne ka undertaking any exercise matlab koi bhi aisa madhyam koi bhi aisa method exercise se mera matlab hai tarika कोई भी ऐसा माध्यम जो कि हमें एक लार्ज पॉपुलेशन को अनप्रोटेक्टेड छोड़ देता है विल क्रॉस द कंट्री एनॉर्मसली इन टर्म्स ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड है ना ये बेसिकली इस देश को इस देश का देश को जो है जो जिंदगियां हैं और आ, उनकी जो लाइवलीहुड है भरण पोषण है का जो तरीका है उसको बहुत ज्यादा अनप्रोटेक्टेड जो है वो आपके घोषित कर देंगे अनप्रोटेक्टेड उनके लिए हो जाएगा ना तो बहुत ही बुरी सिचुएशन साहब आपके हो जाएगी है ना ये यहाँ पे कहना चाह रहा है तो ये गलत है इस तरीके से वैक्सीन इन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है वाइल्ड द यूनियन गवर्नमेंट की जो यूनियन गवर्नमेंट है राइट है थर्टी फाइव थाउजेंड हाँ जी ध्यान से देखो यहाँ पे वाइल्ड द यूनियन गवर्नमेंट है ना कि जो यूनियन गवर्नमेंट uh, है उसको ध्यान से देखेंगे

राइटर इस आ, इस वाले पैरा के अंदर कर रहा है है ना कितने हजार का फंड इन्होंने जो है वो अलोकेट किया पैंतीस हजार करोड़ का है ना एंड और आगे अगर फंड्स की आवश्यकता होगी तो वो भी प्रोवाइड करवाएगा पैतालीस से, से अब के लोगों को फ्री में वैक्सीनेट करने के लिए स्टेट आपके खर्च करने वाला है वाइल द सडन चेंज इन पॉलिसी इज देयर फॉर नॉट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये जो सडन चेंज हुआ है पॉलिसी में ये बेसिकली इस वजह से नहीं हुआ है

वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस, उसके लिए जो फंड था उसका अकेला भार भार ना लेकर के के उस भार को स्टेट गवर्नमेंट ऊपर भी डाल दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो इस वैक्सीनेशन के आ, के फंड्स में डाल दिया है मतलब उसका हिस्सा बना लिया गया है पार्ट बना लिया गया है विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू गर्नर फंड फॉर द सेम है ना कुल cool, मिलाकर के यूनियन गवर्नमेंट जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी ये अकेले बेसिकली कोविड वैक्सीनेशन के फंड के भार को वहन नहीं करना चाहती थी और उनका ये था कि स्टेट जो है वो भी इस वैक्सीनेशन के भार को वहन करे तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी इसका हिस्सा बना लिया है और यही वो चाहते थे और वही चीज उन्होंने कर ली है सब आपके है ना देर इज हैं ग्रेट कंपल्शन टू मेक प्राइजिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ स्टेट टू कलेक्टिवली बार्गेन फॉर अ अ लोअर प्राइस एंड शॉर्ट टू रिसीव सप्लाईज है ना अब बेसिकली यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट तो uh, तो बनाए ऐसा नहीं कि एक स्टेट में सस्ती बिक रही है एक स्टेट में महंगी जा रही है तो ये प्राइसिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और स्टेट जो है उनको बार्गेन करने की लोअर प्राइस में बार्गेन करने की उनके पास में पावर होनी चाहिए उनको अलाउ करना चाहिए कि वो बार्गेन कर पाए एंड अशोर टाइम लाइन टू रिसीव सप्लाई है ना और उनको ये अश्योर किया जाए कि सही समय पे उनको जो है वो वैक्सीन मिल जाएगी है ना ये यहाँ पे कहना चाह रहा है सब आपके अब हम शुरू करेंगे आर्टिकल हमारा यहाँ से ये है हमारा अंतिम पेरा लास्ट पैरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट पैरा जिसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे ना द करंट पॉलिसी विच ईयर मार्क ईयर मार्क का मतलब होता है सेव करना ना, सेव ठीक है बचा करके रखना ना सेव करना सेव बचा करके रखना ईयर मार्क कहलाता है क्या करंट पॉलिसी हैज ईयर मार्क परसेंट सप्लाईज है ना इन्होंने करंट पॉलिसी ने पचास प्रतिशत जो सप्लाई जो है वो बचा करके रखी है टू स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बचा करके रखी है टेक्स द स्टेट्स एंड टू कंप्लीटली चार्टेड टेरिटरी लीडिंग टू कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स uh and between state governments and private hospitals vaccine shortage from both manufacturers is likely to last a few months देखो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखो है ना कि uh basically uh 50% सप्लाई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बचा करके रखा गया करंट पॉलिसी के अंदर takes the states and the companies to a completely uncharted territory leading to competition among states है ना इससे हो क्या रहा है बेसिकली uh, एक ऐसी uh, टेरिटरी जिसको चार्ट नहीं किया गया है ना जिसको जिसका प्लान नहीं किया है जिसको जिसको पॉलिसाइज नहीं किया गया है ना अब उसके अंदर बेसिकली इन कंपनीज के बीच में कंपटीशन होगा स्टेट्स के बीच में एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल है ना मतलब कहने का मतलब ये है कि पचास uh, प्रतिशत जो है वो सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल uh, के लिए है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये संघर्ष करेंगे है ना कि भैया हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो राइट तो ये कॉम्पिटिशन जो है वो लीड करेगा राइट और स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में लीड करेगा पहले तो स्टेट्स के बीच में करेगा फिर स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में करेगा वैक्सीन शॉर्टेज फ्रॉम बोथ मैन्युफैक्चरर्स इज लाइकली टू लास्ट अ फ्यू मंथ्स कि जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं अगले कुछ महीनों तक उनके पास में वैक्सीन का शॉर्टेज रहने वाला है क्योंकि डिमांड और सप्लाई में रात दिन का डिफरेंस है डिमांड बहुत अधिक है सप्लाई बहुत कम है द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी पेंडेमोनियम प्रॉफिटिंग प्रॉफिटियरिंग बाय वैक्सीन इन पेंडेमोनियमरिंग ऑफ द पेंडेमिक एंड वैक्सीन शॉर्टेज इज अनलाइक टू रिजल्ट इन अ स्मूथ रोल आउट ऑफ वैक्सीन फॉर द टारगेट ग्रुप देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वैक्सीन का जो शॉर्टेज है दोनों तरफ से फ्रॉम बोथ मैन्युफैक्चरर्स वो दोनों तरफ से रहने वाला है राइट right? ियम uh, ये जो पेंडेमोनियम है थिक ऑफ पेंडेमिका की पेंडेमिक की इस थिकनेस से में हम, इसका मतलब है राइटर का की जो इस समय ग्रेव सिचुएशन बनी हुई है बहुत ही uh, बुरी सिचुएशन बनी हुई है इसमें वैक्सीन मैन्युफेक्चर जो है वो आपके प्रॉफिट उनके लिए बहुत प्रॉफिट है वो बहुत फायदा उठाने वाले हैं इसका आ, और जो वैक्सीन का जो शॉर्टेज है अनलाइकली ना और ये बेसिकली जो टारगेट ग्रुप है उनके लिए वैक्सीन जो है वो स्मूथ तरीके से वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा दिस कुड लीड टू डेंजरस सिचुएशन ये एक डेंजरस सिचुएशन को लीड कर सकता है वेयर कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन मेजर्स बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट है ना तो देख लो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये जो है ना एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन को पैदा करेगा जहां पे कंटेनमेंट कंटेनमेंट से हमारा मतलब है कि रिस्ट्रेन uh, करना कंट्रोल करना बेसिकली uh, आपके वायरस uh, uh, को कंट्रोल करना कंटेनमेंट में लेकर के आना और उसको मिटिगेट करना रिड्यूस करने के जो मेजर्स है वो और अधिक डिफिकल्ट हो जाएंगे है ना तो कुल मिलाकर के आर्टिकल जो है ये इसकी टोन अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों की ये जो आर्टिकल आपने अभी अभी पढ़ा है पूरा का पूरा आर्टिकल इसकी टोन क्या है तो आप लोगों के क्या विचार होंगे ये जो आर्टिकल है अनफेयर एंड डेंजरस ये जो आर्टिकल है इसकी टोन आपके क्रिटिकल है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्टिकल है ना टोन तो ये इन्फॉर्मेटिव तो होते होते हैं ना तो बाई डिफॉल्टे आर्टिकल जो है वो आपके इंफॉर्मेटिव होते हैं इनमें किसी ना किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके होती होती है जैसे की क्या हो रहा है राइट right? वो इंफॉर्मेशन है लेकिन एट द डे वो सरकार की पॉलिसी को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्रिटिकल इनिक्विटी के ऊपर वोकैबलरी इसलिए नहीं ली क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आए ही नहीं जो कुछ परेशान करते आपको या आप मुझे राइट जो आपको कुछ सिखाते तो इतने कुछ टफ वर्ड वोकैबलरी या टफ वर्ड्स आज थे नहीं थे ना ठीक है सो so, uh, कल मिलते हैं दोस्तों राइट uh, फिर से कल द हिंदू एडिटोरियल के साथ में कल मिलेंगे शाम सॉरी द हिंदू एडिटोरियल जिन बच्चों को इस क्लास की जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं कि हम कल फिर से मिलेंगे टाइमिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ सुबह सात बजे सेवन ए एम जो है वो आप लोगों को आना है सारे के सारे बच्चों को आना है सुबह सात बजे राइट और और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ यहाँ पे ठीक है ये लीजिए जी एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है ये भी फटाफट -फड़ से ले लीजिए तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के फॉलो करें तो ये मेरी प्रोफाइल है मेरा नाम अगर आप सर्च करेंगे ये नाम और जाकर के मुझे फॉलो कर लें है ना Uh, ये मेरी प्रोफाइल है जाकर के फॉलो कर लेंगे तो आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे ना अगर आपसे कोई फ्री क्लासेस के लिए फ्री क्लासेस के लिए अगर कोई अनलॉक कोड पूछे अनलॉक कोड बताओ तो अनलॉक कोड आपके क्या है अनलॉक कोड है हर्ष एलेवन है ना हर्ष ग्यारह तो इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइट और इस क्लास की पी आपको जो है वो जो मैंने पढ़ाया आर्टिकल ये हिंदू एडिटोरियल की जो क्लास की पी होती है ये जनरली हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देते हैं राइट और जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती है फ्री क्लासेस होती है उनके लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे ठीक है तो आ, दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड हो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में और अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के वो अगर, अगर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है मान लो वो बैंक की अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहता है या अपनी एस की तैयारी को बूस्टअप करना चाहता है या सी की तैयारी को बूस्टअप करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करे अपनी कैटेगरी चूज़ करें एस से है तो एस एग्ज़ाम बैंक से है तो बैंक एग्जाम और अगर सी से है तो अपनी सी की कैटेगरी चूज करें और उसे चूज़ करने के बाद में वो बेसिकली गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें अपना रेफ अमाउंट चूज़ करें कौन सा प्लान जनरली 12 महीने और 24 महीने के प्लान बेहतरीन होते हैं इनमें से किसी एक प्लान को चूज़ करें इस प्लान को चूज़ करने के बाद में जैसे मान लो उसने ये प्लान चूज़ किया है ये बेसिकली आपके पाँच हज़ार का पड़ता है जब आप रेफरल कोड लगाते हो हर्ष इलेवन ये रेफरल कोड लगाने पे आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है ना तो आप ले सकते हैं बहुत सारे एडवांटेज हैं आपको सेवेंटी प्लस एजुकेटर्स जो है वो हर सब्जेक्ट्स के हर कैटेगरी के अंदर मिलते हैं और इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं आप एक ही एग्जाम के थ्रू बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ना सो so दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट मोबाइल सो इवनिंग में क्लास आज होगी ना आज होगी ना